सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण पुस्तक में से पाठ भाषा और व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने इस विषय की जानकारी अपनी पिछली कक्षा से भी प्राप्त की है। हम सभी जानते हैं कि भाषा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा का क्या उपयोग है, भाषा का क्या कार्य होता है, भाषा क्या होती है? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना होती है भाषा। जब हमें अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाना होता है, उस समय भाषा ही एकमात्र माध्यम होता है जिसके द्वारा हम बोलकर अपनी बात अन्य व्यक्ति को समझाते हैं और वह सुनकर हमारी बात समझता है। हम अपनी भाषा को लिखित रूप देते हैं, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, जिसे हमारे मित्र, हमारे प्रियजन पढ़कर हमारी बात समझ पाते हैं। अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है। यदि किसी के प्रति हमारे मन में कोई भी भाव उत्पन्न हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे व्यक्त करने का साधन केवल भाषा है। हम बोलकर अपने भाव व्यक्त करते हैं और हमारा मित्र सुनकर उसे समझता है। भाषा के दो रूप होते हैं।